इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्टार कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस महिला कबड्डी टीम जयपुर में आयोजित होने वाली पुलिस नेशनल मीट में भाग लेंगी। पुलिस महिला टीम बिलासपुर के लोहड़ू मैदान पर पुलिस निरीक्षक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्टार कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रियंका नेगी के नेतृत्व में कड़ा अभ्यास कर खूब पसीना बहा रही है। पुलिस महिला कबड्डी टीम को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश को अवश्य मेडल जीत कर लाएंगी। विशेष बात यह है कि पुलिस महिला कबड्डी टीम का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्टार कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी कर रही हैं, जो कि वर्तमान समय में बिलासपुर में बतौर पुलिस निरीक्षक हैं। प्रियंका नेगी ने बताया कि वर्ष 2016 में उसकी पोस्टिंग बतौर उप निरीक्षक हुई थी। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पुलिस विभाग की कबड्डी खेल के क्षेत्र में अपनी महिला टीम नहीं है। उसी दिन से मैंने प्रण किया कि पुलिस टीम की भी महिला टीम अवश्य तैयार करूंगी। इस प्रस्ताव को उसने उच्च पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने पुलिस महिला कबड्डी खिलाड़ियों पर विश्वास जताकर टीम तैयार करने की स्वीकृति दी, जो कि पुलिस के उच्च अधिकारियों का सराहनीय कदम है। इससे महिला खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी। अभी हाल ही में हम लोगों का ऑल इंडिया पुलिस मीट का यहाँ पे 20 दिन का कैंप लगा है, और ये पहली बार हो रहा है कि ऑल इंडिया पुलिस मीट में हिमाचल की टीम शामिल होने जा रही है, जिसके लिए कि हम सभी जितने भी यहाँ कैंपर हैं, हम सभी हिमाचल प्रदेश पुलिस का, स्पेशली डीजी साहब और आईजी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हम लोगों की यह मांग रखी कि हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पुलिस मीट में। हमें उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हम लोगों का कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। सभी जितनी भी लड़कियाँ हैं बहुत सारी मेहनत कर रही है, और कोच के द्वारा बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि पहले किस तरह के वहाँ पे टीम्स आती है, किस तरह का वहाँ पे जिस तरह का वहाँ स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि हम अपना बेस्ट देंगे, और अभी हमारा पहली बार है तो हमें नहीं है पता कि वहाँ पे किस तरह के टीम्स हमें आगे पूल में या मैचेस जिस तरह भी हमें खेलने को मिलेंगे, तो हम उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे और कोई ना कोई पदक जरूर जीत के लाएंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस महिला कबड्डी टीम के प्रशिक्षक ओपी वशिष्ठ व पुलिस महिला कबड्डी खिलाड़ी पूजा वर्मा ने कहा कि जयपुर में पुलिस नेशनल मीट का आयोजन 27 फरवरी से 3 मार्च तक होगा। बिलासपुर में पुलिस महिला टीम एसपी अशोक कुमार की देखरेख में लोहड़ू मैदान पर अभ्यास कर रही है। उन्होंने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की भी पुलिस महिला खिलाड़ियों पर विश्वास जताने एवं राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी टीम को भाग लेने के प्रति किए गए प्रबंध पर स्वीकृति प्रदान करने की सराहना की। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पुलिस महिला कबड्डी टीम प्रदेश को अवश्य मेडल दिलवाएगी। मैं पूजा वर्मा धर्मशाला को सेकंड आई हूँ, मेरी हाल तैनात हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम हमारी पुलिस की टीम पुलिस मीट में, ऑल इंडिया पुलिस मीट में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जिसका मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ। और हमारा कैंप पिछले 20 दिनों से चल रहा है, हम सब खिलाड़ी और कोच सर हमारे पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें होप है कि हम वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर अच्छी पोजीशन पर खेलेंगे, और मैं इसके लिए जो हम पर विश्वास हमारे डीजीपी और आईजी एपीटी मिश्रा सर ने विश्वास दिखाया है, उस पर खड़े उतरेंगे। हिमाचल पुलिस की कबड्डी टीम का, महिला कबड्डी टीम का जो है प्रशिक्षण कैंप, हिमाचल पुलिस टीम महिला टीम का प्रशिक्षण कैंप, 20 दिन का प्रशिक्षण कैंप जो जिला बिलासपुर में एसपी अशोक कुमार की देखरेख में जो है यहाँ चला हुआ है, और ये पहली बार मौका मिला है महिला टीम को, जिसमें हमारे वर्ल्ड की चैंपियन और एशियन गेम की चैंपियन प्रियंका नेगी इंस्पेक्टर रैंक की, जो इसमें जो है कप्तान के रूप में जो है पूरी टीम को जो है इकट्ठा करके जो है प्रशिक्षण ले रही हैं, और पूरे टेक्निक के साथ जो है हम जो है आगे जो है बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जो है ऑल इंडिया पुलिस गेम में जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसमें करीब इंडिया की जो है करीब 15-20 टीमें जो है महिला टीम की भाग लेती हैं।